और कहा फिल्म वालों ने क्या क्या बेटे क्या कहा कि दिल के तुझको बिठा लिया जब से मैंने तुझको अपना बना लिया। ये गाना तो जरूर सुना है हमें, तब गीत आया है कौन सा बच्चे तुझे के गुजर जाना है तुझसे लिपटा रहूं मैं बनके कंगना तेरा जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा चांद तारों में वाह बेटे वाह जब से मेरे पहरा तेरा चांद तारों में नजर आए चेहरा 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 तेरा वाह चांद तारों में भाई साहब आप इधर देखो वहां कहां देख रहे हो एक्सक्यूज मी डियर प्लीज लुक मी हियर चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा ये फिल्म वालों ने गाया लेकिन देखिए मेरी गीत की पंक्ति क्या कह रही है का बेटे का भगवान श्री राम के द्वारा रावण घायल हो गया और मरणासन्न की स्थिति में धरती पर पड़ा हुआ है ओहो बहुत दुख भरी कहानी धरती पर पड़ा है अब रावण के सामने चार लोग पहुंचे चार लोग पहुंचे और चारों ने देखिए रावण से एक सवाल किया सबसे पहले भगवान श्री राम लखनलाल हनुमान जी महाराज और रावण का भाई विभीषण ये विभीषण इन चारों को जब देखा तो रावण ने सबसे पहले राम से कहा क्या बेटे क्या कहा रावण बोला हे राम मैंने सुना है तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो तुम तो साक्षात हरि के अवतार हो तुम तो भगवान हो और अगर तुम भगवान हो तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कैसा बेटे कैसा रावण बोला अगर तुम भगवान होते तो चाहते तो मुझे एक ही बाण में समाप्त कर देते लेकिन क्या किया तुमने क्या रावण बोला क्या बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी
रावण बोला है। रावण कह रहा है 31 बाण चलाने की क्या जरूरत थी। अरे तुम तो भगवान थे, एक ही बाण में मार देते। बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी। दूसरा सवाल उसने हनुमान जी से किया, क्या बोले हनुमान, तुमने मेरी लंका में आग लगा दी और ये लंका मुझे कैसे प्राप्त हुई। सुनो, दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी। लिखते जाइए, ये लंका मुझे दान में मिली थी और दान की चीज को जलाने की क्या जरूरत थी। वाह बेटे। तीसरा सवाल उसने लक्ष्मण से पूछा, बोले हे लखन, सुलोचना, चूंकि तुम शेषावतारी हो तो उस नाते से सुलोचना तुम्हारी पुत्री हुई और तुमने मेघनाथ का वध कर दिया, तो बताओ लक्ष्मण, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी। वाह बेटे वाह, तुमने अपनी बेटी को विधवा बना डाला। आखिरी सवाल उसने अपने भाई से पूछा और अपने भाई को देखा, कहा विभीषण, अगर तुम राम का साथ ना देते तो ये मेरा दावा है कि राम में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो मेरा वध कर सकते, मेरा बाल बांका नहीं कर सकते थे। तुमने राम का साथ दिया और तुमने बताया कि नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी। मेरी नाभि में अमृत का कुंड है, ये राम को बताने की क्या जरूरत थी। वाह। देखिए, जब चारों से रावण ने ये सवाल कर दिया तो बारी बारी से चारों जवाब क्या देते हैं। सुनिए जवाब, सुनिए इसका। सबसे पहले राम जी ने कहा, हे रावण, तुम कह रहे हो 31 बाण चलाने की क्या जरूरत थी, तो सुनो मेरी बात, सुनिए जवाब, सुनिए इसका। अरे तुम तो प्रकांड ज्ञानी हो, तुम तो विद्वान थे और विद्वान होने के साथ साथ तुमने ऐसा काम किया, कैसा के जनक की जाई लालू ढोलक मास्टर कुमर्रा इंग्लिश में लिखा है ना, इसलिए तो लालू ढोलक मास्टर कुमर्रा प्रधान जी ने ये 51 मुद्राएं हमारे लिए और 51 मुद्राएं पुनः हमारे राम बाबू के लिए प्रदान किए हैं। हाँ, मगर इस बार 100 नहीं मिलेंगे, छुट्टा नहीं बाद में दे देना। प्रधान जी के पास छुट्टा है मगर दे नहीं रहे, राम बाबू का फायदा हो रहा है। रावण कहने लगा, सुनो जब चारों से सवाल कर दिए तो भगवान श्री राम ने कहा, क्या कहा, ऐ दशानन, तुम तो प्रकांड विद्वान थे, इतने ज्ञानी होने के बाद तुमने ऐसा काम किया, कैसा बेटे। भगवान श्री राम ने कहा, सुनो, सुनिए, के जनक की जाई जान की जो मेरी प्यारी थी। Oh, yeah.
श्री राम ने कहा रावण जनक की जाई जानकी जो मेरी प्यारी थी ओ, तो गौर से सोचो वो पुत्री भी तुम्हारी थी ए, क्या बात है। अगर सीता मेरी पत्नी थी तो तुम्हारी पुत्री भी तो थी ओ, और तुम इतने ज्ञानी होने के बाद तुमने ऐसा काम किया। कैसे बेटे, कैसा किया? हे रावण, जनक की जाई जानकी जो मेरी प्यारी थी, गौर से सोचो वो पुत्री भी तुम्हारी थी। तो अब तुम मुझे बताओ क्या अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी? वाह बेटे, ये अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी? हे बजा बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? हे बजा बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? अपनी पुत्री को चुराने की क्या जरूरत थी? बिना मतलब में बात बढ़ गई, आखिर इसका क्या मतलब निकल रहा था? क्यों किया ऐसा? सुनते रहिए। आइए दूसरा जवाब देखिए, लखन लाल दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि अपनी पुत्री को विधवा बनाने की क्या जरूरत थी, तो लक्ष्मण जी ने कहा हे रावण सुनिए मेरी बात, मैं मानता हूं कि सुलोचना मेरी पुत्री थी, लेकिन लेकिन अरे मैं था ससुर वो दामाद जी हमारे थे। मेघनाद, मैं था ससुर वो दामाद जी हमारे थे, तो बाण रण स्थल में दामाद के करारे थे। इतना सस्ता गीत कभी किसी ने गाया नहीं होगा। अब तुम बताओ क्या कोई समाज में ऐसा करता है क्या बेटे, जैसा मेघनाद ने किया? तो शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी? क्या बात है। शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी? वे वजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? अब तीसरा जवाब हनुमान जी दे रहे हैं। रावण ने हनुमान जी से कहा था कि तुमने मेरी लंका में आग लगा दी, दान की चीज जलाने की क्या जरूरत थी? तो हनुमान जी महाराज बोले हे रावण आखिर तुम मुझे भूल कैसे गए? क्यों क्यों? हनुमान जी बोले अरे जानते तुम थे हे रावण, जानते तुम थे कि मैं रुद्र का अवतारी हूं। तुम भली बात ही जानते थे कि मैं जिनके तुम परम भक्त हो उन्हीं का मैं 11वां रुद्र अवतार हूं, और तुम भोलेनाथ के भक्त होकर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। बोले जानते तुम थे मैं रुद्र का अवतारी हूं, और तुम ये भी जानते थे क्या बेटे कि जब मैं वानर बन के आया तो मेरी पत्नी यानी मेरी पार्वती मेरी पूंछ बन के मेरे साथ आई थी।
तो तुमने क्या किया? जानते तुम थे मैं रुद्र का अवतारी हूँ और भवानी पूछ में है राम का पुजारी हूँ। और तुम जानते थे कि मेरी पत्नी मेरी पूंछ में बैठी है और फिर भी तुमने क्या किया? क्या? अरे पूंछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी?